हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो थोड़ी बहुत जो न्यूज फैल रही है सबके बारे में, और मैंने क्या सोचा है, मैंने क्या डिसाइड किया है, बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना। तो अभी जो यूक्रेन में सिचुएशन चल रही है, हम सभी को स्ट्रेस है कि हमारी क्लासेज ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। तो अभी हमारी यूनिवर्सिटी से हमारे ईयर का जो मुझे पता है थर्सडे को आएगा, हम अभी भी वेट कर रहे हैं। आज भी मीटिंग हुई थी लेकिन उसमें भी डिसाइड नहीं हो पाया कि ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। बट सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे इंडिया जा रहे हैं उनकी ऑनलाइन होगी, जो यहाँ पे रहेंगे उनकी ऑफलाइन होगी, ऐसा कुछ सीन अभी चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो इंडिया जा चुके हैं, जो इंडिया जाना चाहते हैं, स्टिल अभी भी यूक्रेन में है। ड्यू टू रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे स्टूडेंट को एक मेंटल प्रेशर बन चुका है कि हमें यूक्रेन में रहना सेफ है या फिर इंडिया जाना। तो ऑब्वियसली इंडिया जाना सही है, ये तो हमारी एम्बेसी ने भी बोल दिया है कि आप इंडिया चले जाओ, आपके जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे अगर कुछ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इवैक्यूएट करने के लिए उनको 10 डेज लग जाएगा प्रोसेसिंग करने में। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि तुम खुद से चले जाओ, तुम्हारी हम इतनी हेल्प कर सकते हैं कि तुम्हारी क्लासेस के लिए हम तुम्हारे हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करके ऑनलाइन करवाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल उनकी बात चल रही है, इस बात पे उन्होंने कोई भी ऐसा कॉन्फर्मेशन अभी तक तो नहीं दिया है। और रही बात इंडिया जाने की, तो उन्होंने हमारे लिए फ्लाइट अवेलेबल कराई है। एयर इंडिया जा रही है जो कीव टू डायरेक्टली दिल्ली जा रही है, और भी बहुत सारी फ्लाइटें जा रही है, आप चेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस में। तो चलो बात कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अपनी क्लासेज ऑनलाइन चलाएगी या ऑफलाइन चलाएगी। पहले स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी खुद की यूनिवर्सिटी से, ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ती हूँ। तो अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा कन्फर्मेशन नहीं आया है ऑफिशियल कि हमारी क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी। अभी तक वो बोल रहे हैं कि 25 के बाद वो ऑफलाइन करेंगे, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि तुम लोग इतना क्यों डरे हो, तुम लोग इंडिया क्यों जा रहे हो। तो डीन का ऐसा कहना है, और फिलहाल अभी थर्सडे को फिर से एक मीटिंग होने वाली है, तो शायद उसमें कुछ रिस्पॉन्स आए हमारी इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% बच्चे इंडिया जा चुके हैं। मेरी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे गए हैं और भी बच्चे जा रहे हैं। मार्च 1 तक तो मैंने बच्चों की टिकट सुनी है कि ये बच्चे जा रहे हैं, तो और भी बच्चे उसके बाद भी जा रहे हैं। अब मैं बताती हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी का जो मुझे पता चला है। लवी पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन हो चुका है, तो वहाँ के बच्चों के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई है, उनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। हार्की और विनिसिया, अभी एक छोटा सा एक व्हाट्सएप का चैट वायरल हो रहा है, तो वो है विनिसिया का, उसमें लिखा हुआ है कि May 1 तक क्लासेस ऑनलाइन है। वहाँ पे एक और सीन है कि जो 3rd ईयर और 6th ईयर वाले बच्चे हैं, उनका अभी क्रॉक का एग्जाम है, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम टाइम पे क्रॉक देना चाहती हो तो तुम्हें यूक्रेन में रहना ही पड़ेगा। तो 3rd ईयर और 6th ईयर वाले के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, और बाकी जो इंडिया चले जाएंगे उनके लिए ऑनलाइन होगा, जो इंडिया नहीं जाएंगे यहाँ पे रहेंगे उनके लिए ऑफलाइन होगा। खारकिव में भी सेम यही सीन है। ओडिशा की जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो के थ्रू। और जो पोलतावा में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आज से ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जो भी यूनिवर्सिटी की अपडेट मुझे मिलती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो मेरा डिसीजन है वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। बाकी मैंने एक चैलेंज वीडियो शूट कर ली है, लेकिन ये सारे इतने आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस बीच में मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। हो सके इसके बाद या जब टाइम मिलेगा तो मैं एडिट करूंगी, क्योंकि मैं अभी कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो जो मेन प्रॉब्लम होगी वो 1st ईयर टू 3rd ईयर वालों को ही होती है, क्योंकि उनकी एक दिन में 3-3 क्लासेस चलती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की। तो वो अगर आएंगे तो उनको बहुत सारे सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ जाएंगे, वो 1 मंथ में इजी नहीं है। 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर वालों के थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उनकी कोई एक ही साइकिल चलती है, वो पूरे महीने चलती है, तो उनके लिए क्लियर करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उनको आके सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट क्लियर करना होगा, तो वो 1 मंथ में इजिली हो जाएगा। बट होप सो हम भी प्रे कर रहे हैं कि यार ऑनलाइन हो जाए, ताकि हम अपनी जो समर वेकेशन थी उसको शिफ्ट करके हम अभी एंजॉय करके इंडिया फिर वापस से फ्रेश माइंड से इंडिया से यहाँ आए और सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल हो जाए, वो अच्छा होगा। बट देखो भगवान को क्या मंजूर है। ओडिशा में भी ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी है जो वो ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर दी है। 25 to 5 मार्च तक यहाँ पे ड्रिलिंग होगी, तो लेट्स सी। और बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मेरी वीडियोस के थ्रू मिलेगी। और इसके बाद मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे चैलेंज वीडियो, जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि कितने में करना है, तो मैंने कोशिश करी है, इसके बाद अपलोड कर दूंगी। और बाकी जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।